हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से 25 तक। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकिरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हरून वंश की थी और उसका नाम एलिजबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं एवं नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिजबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकिरियस नियुक्ति के क्रम में से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकिरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकिरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम योहन रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। अपनी माता के गर्भ में ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इसराइल के बहुत से लोगों का मन उसके प्रभु ईश्वर की ओर उन्मुक्त करेगा। वह इलियस के मनोभाव और सामर्थ्य में प्रभु के आगे चलेगा, जिससे वह पिता और पुत्र का मेल कराए। स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सुबुद्धि प्रदान करे और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करे। पर जकिरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गैब्रियल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ संदेश सुनाने भेजा गया हूँ। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी, उस दिन तक आप गूंगे बने रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर, जो अपने समय पर पूरी होगी, विश्वास नहीं किया। जनता जकिरियस की बात जो रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपने सेवा के दिन पूरे होने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक
अपने को यह कहकर छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे भाइयों एवं बहनों, संतान प्राप्ति हर दंपति की दृढ़ अभिलाषा होती है। शिशु प्राप्ति उनके प्रेम का एक बड़ा चिन्ह है। नए प्राणी का जन्म लेना ईश्वरीय योजना एवं वरदान है। हर दंपत्य जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य है ईश्वर की सृष्टि में भाग लेना। आज के दोनों पाठों में हम देखते हैं कि मनोवा और जकरियस के परिवार में शमसोन और योहन का जन्म एक चमत्कारी घटना थी जो मानव सोच से परे है। यद्यपि यह मानव दृष्टिकोण से असंभव है, अपितु ईश्वर के लिए नहीं। ईश्वर उनके सूखे एवं खाली कोख को पवित्र आत्मा की शक्ति से हरा भरा कर देते हैं। प्रभु का दूत आकर उन्हें खुशी का संदेश देते हुए कहते हैं, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। वह शिशु ईश्वर को समर्पित होगा, उन्हीं के द्वारा संसार का उद्धार होगा। शुरू में प्रभु के दूत द्वारा दिए गए संदेशों पर विश्वास करना उनके लिए बड़ा कठिन लगा, क्योंकि ये दोनों दंपति ईश्वर भक्त, धर्मी और न्यायी प्रवृत्ति के थे। इसलिए ईश्वरीय चमत्कार संभव हो सका। अतः उनके अटूट विश्वास के कारण ही मानो आ को शमसोन मिला और जकरियस को योहन मिला। इस तरह दोनों परिवार आनंद और उल्लास से भर गया। सचमुच यदि मानव के जीवन में ईश्वर के उस विश्वास की छोटी सी चिंगारी भी हो तो भी उनके बुझते एवं टूटते जीवन में विश्वास की चिंगारी ज्वाला बनकर उजाला ला सकता है। अतः हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास और भरोसा अंतिम क्षण तक रखना चाहिए। हमेशा विश्वास में मजबूत होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हताशा एवं निराशा की घड़ी में भी मजबूत बन सकेंगे और ईश्वर की मुक्ति कार्यों में अपना हाथ बटा सकेंगे।